हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं डायरेक्टली, मैं इस पे आता हूँ। वी आर टेकिंग द रेट मेजरर, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशंस। सो देर आर सम टर्म्स, कुछ टर्म्स हैं जिसको हम यूज कर रहे थे। तो इनिशियली फंक्शन के लिए हम जानते ही हैं कुछ चीजें, तो मैं उन टर्म्स को और उन वैल्यूज को वापस एक शॉर्ट वे में डिफाइन करना चाहूंगा कि हम किन वैल्यूज को किस तरह से क्या लिख रहे थे, ठीक है ना। सो मैं चाहूंगा कि इन सबको वापस थोड़ा सा देखा जाए एक बार। देखिए, कोई भी फंक्शन है, अगर हम ले रहे हैं लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स बी फंक्शन, अगर ये कोई फंक्शन है, इन दिस फंक्शन व्हाट इज देयर कि अगर x में स्मॉल चेंज होता है, सो जिसको हम डेल्टा x बोलते हैं, डेल्टा x बोल लीजिए या डेल्टा x इस तरह से लिखते हैं, सो दिस इज कॉल्ड स्मॉल स्मॉल चेंज इन x, चेंज इन x। इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, स्मॉल चेंज इन एक्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एरर इन एक्स। देखिए, इसके कई सारे नाम हैं, मैं यहीं पे इन चीजों को एक साथ रख के हम क्लियर करना चाहेंगे कि जिस तरह से हमें टर्मिनोलॉजी में प्रॉब्लम ना हो, हमें टर्म्स जब हम कोई चीज बोल रहे हैं तो हमें ये मालूम रहे कि हम क्या बोल रहे हैं उसमें, ठीक है। स्मॉल चेंज इन एक्स इज कॉल्ड द डेल्टा एक्स, या डेल्टा वैसा लगा होता है, राइट, डेल्टा स्मॉल डेल्टा होता है, दिस इज स्मॉल डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स इससे चेंज करते हैं। तो जो भी फंक्शन है वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई ग्राफ था आपका, और उस ग्राफ में दिस इज द वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ग्राफ, राइट, और उस ग्राफ में एक्स में स्लाइट चेंज किया कहीं पे, या स्मॉल स्लिट वैल्यू लिए, थोड़ा सा एक्स का स्मॉलेस्ट वैल्यू उसने लिया है, दिस इज कॉल्ड स्मॉल चेंज। और एरर इन एक्स, एरर इन एक्स भी बोलते हैं इसको, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द तीसरा नाम, देखिए, स्मॉल चेंज इन एक्स, एरर इन एक्स, और इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज नोन एज द डेल्टा एक्स। कभी उसको एरर इन एक्स भी बोल देता है, और समटाइम्स ही सेज द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स ऑल्सो, राइट। इसी तरह से डेल्टा वाई है, डेल्टा वाई बोल लो, या डेल्टा स्मॉल डेल्टा वाई है, दिस इज कॉल्ड द स्मॉल चेंज इन वाई, और इट इज कॉल्ड द एरर इन वाई, और इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर इन वाई। सो दिस इज द एरर इन वाई, राइट। दीज आर द स्मॉल चेंजेस और एरर्स यू कैन से, और सम देर आर चेंजेस। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे कि एक डिस्क है, डिस्क की इनिशियली रेडियस बोलेगा कि इनिशियल रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और उसको हीट किया जाता है, तो उससे उसकी जो है स्लाइटली उसकी रेडियस बढ़ जाती है। सो अराउंड 10.2 सेंटीमीटर अगर मान लीजिए रेडियस हो जाती है, तो एरिया में कितना चेंज आ जाएगा। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो जो हम एरर यूज करेंगे उसकी, उसमें एरर यूज करेंगे ड्यू टू हीट टू द डिस्क। सो व्हाट हैपन्स, सो दैट पर्टिकुलर डिस्क, इट्स रेडियस इज इंक्रीज बाय द 0.2 सेंटीमीटर। अब 0.2 सेंटीमीटर को इंक्रीज्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं, स्मॉल चेंज इन एक्स भी बोल सकते हैं, एरर और वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज से, तो वो एक्स वेरिएबल चेंज हो रहा है और उससे एरिया में भी चेंज आ रहा है, तो वो एरिया जो है वो दूसरा वेरिएबल है। जैसे कि हमने यहाँ फंक्शन लिया हुआ वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, तो उसी तरह से अभी आगे हम डिस्कस करेंगे सारी बातें। पहले मैं चाहता हूँ कि वन बाय वन सारी टर्म्स हम पहले एक बार लिख लें अच्छे से, तो हम उस पर फिर अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसके बाद देखिए ऐसा होगा कि अगर आप ये वैल्यू लिखते हैं डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स को उसके रिलेटिवली, मेन एक्स वेरिएबल के रिलेटिवली लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव 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 चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव चेंज इन एक्स। एंड डेल्टा वाई अपॉन वाई, या इन दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, डेल्टा एक्स या वैसा दूसरा वाला डेल्टा यूज कर सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन वाई, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव, दिस इज कॉल्ड द रिलेटिव चेंज इन वाई।
अब जब ये विद रेस्पेक्ट टू मेन वाई, उसका डेल्टा वाई रिलेटिव, इसके दोनों के बीच में हम रिलेटिव वैल्यू बोल रहे हैं इसको, तब इसमें अगर एक और वर्ड यूज आता है डेल्टा एक्स इंटू 100 कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज चेंज, दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन एक्स। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एक्स? डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 कर दिया, सिंपल, जो कि हम बहुत पहले छोटी क्लासेस में ये सब काम करते थे, नीचे वाली 7th 8th क्लास में ये वर्क किया है। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 करेंगे तो वो उस चीज का परसेंटेज निकल जाता है। सो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि परसेंटेज चेंज इन एक्स। सिमिलरली डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100 आप करेंगे, दैट वैल्यू इज कॉल्ड द परसेंटेज चेंज इन वाई, परसेंटेज चेंज इन वाई। देखिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए, मैंने इनको बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि इसको आप इस तरह से बोलेंगे, और ये रिलेटिव चेंज होता है, ये परसेंटेज चेंज आ जाता है, दिस इज कॉल्ड द परसेंटेज चेंज, दिस इज एब्सोल्यूट चेंज एंड दिस इज द रिलेटिव चेंज। सो रिलेटिवली ये होगा। अब ऐसा होता है जब वाई वेरिएबल है, वाई वेरिएबल में वाई प्लस डेल्टा वाई का चेंज आता है। देखिए हमने जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा था तो वाई में वाई प्लस डेल्टा वाई का चेंज होता था, तो करस्पॉन्डिंग एक्स में फंक्शन में एक्स प्लस डेल्टा एक्स का चेंज होता था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का चेंज होता था, राइट। सो अगर समटाइम्स वो लैंग्वेज है, वो उसकी लैंग्वेज है, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी होती है उसको हमें प्रॉपरली समझना होता है कि वो क्या पूछ रहा है। अगर वो चेंज्ड वैल्यू पूछ रहा है, चेंज्ड वैल्यू ऑफ वाई पूछ रहा है, तो इसका मतलब उसको उसकी एरर के साथ बताना है, वाई प्लस डेल्टा वाई बताना। वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स जब लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड चेंज्ड वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल, चेंज्ड वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल, मतलब उसके एरर के साथ में वो जो वेरिएबल है वो अटैच हो जाए। जैसे कि अगर सपोज जिस डिस्क की हम बात कर रहे थे, वो डिस्क 10 सेंटीमीटर की थी, और उसको जैसे ही आपने हीट किया सो 10.2 सेंटीमीटर रेडियस की डिस्क हो गई, राइट। तो जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, दैट इज द चेंज वैल्यू इन एक्स है, उसमें एक्स 10 सेंटीमीटर होगा और 0.2 उसको है ड्यू टू हीट जो है रेडियस का इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो उसकी एरर है। एरर बोले या स्मॉल चेंज इन एक्स बोले, या एरर है या एब्सोल्यूट एरर है, जो भी है, ठीक है, बोथ कैन बी सेड, बीच में और लग रहा है, ठीक है। सिमिलरली इफ यू वांट टू से द वाई वाई प्लस डेल्टा वाई एंड दिस इज कॉल्ड द चेंज्ड वैल्यू ऑफ वाई, वाई को उसके चेंज के साथ में जोड़ के जब आप शो करते हैं, दिखाते हैं, तो वो पूरी वैल्यू, वो आपका फंक्शन का वैल्यू है, फंक्शन में वाई प्लस डेल्टा वाई शो करेंगे, देन इट इज कॉल्ड द चेंज वैल्यू ऑफ y, दिस इज द चेंज वैल्यू ऑफ y, सो एंड दिस इज द सिंपली द चेंज इन y, दिस इज द चेंज इन y, y में कितने का चेंज हुआ, डेल्टा y का चेंज हुआ, बट व्हाट अबाउट द चेंज्ड वैल्यू, चेंज होने के बाद वैल्यू क्या हो गई, तो वो y प्लस डेल्टा y हो गई। कई बार डेल्टा y जो है नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, अगर वैल्यू ओवरऑल रिजल्ट बढ़ रहा होता है तो जो डेल्टा वाई आएगा वो पॉजिटिव आएगा, अगर सपोज कोई चीज श्रिंक कर रही है, ठीक है, इसमें से कॉनिकल फ्लास्क है उसमें से पानी बाहर निकल रहा है, तो उस केस में वहां पर जो हो गई वाई प्लस डेल्टा वाई, डेल्टा वाई वैल्यू उसमें, तो उस केस में नेगेटिव आएगी, बिकॉज द वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द कॉनिकल वेसल, राइट। तो वो चीज आती है, वो फिर उसकी बाद में बात करेंगे। देखिए ये चेंज वैल्यू आ गई, और हम जिस वैल्यू को हम चाहते हैं कि और भी क्लियर समझें, वो है हमारे पास में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। देखिए इसको आप देखिए, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनस चेंज। ये चीज ग्राफ में हमने डिफरेंशिएबिलिटी में बहुत डिटेल में इसको देखा था, यहाँ इसका ग्राफ बनाया जाएगा। सपोज दिस इज द ग्राफ, आप अचानक क्या करते हैं किसी पॉइंट पे डेल्टा एक्स पे उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते हैं, करस्पॉन्डिंग, क्योंकि
दिस इज द ग्राफ ऑफ द वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट। और उस केस में जो डेल्टा वाई आएगा वो सपोज ये आएगा, एट दैट टाइम व्हाट इज द डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। सो रिलेटिवली दोनों वैल्यूज को इस तरह से लिखेंगे, डेल्टा वाई बाय एक्स। सो एट दैट टाइम एट व्हाट रेट द वाई चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज गिवन बाय डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, दिस पर्टिकुलर चेंज इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस चेंज। इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज द इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हम जो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं वो क्या है, एक्चुअल में वो क्या है, इसको आप ऐसा बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएबिलिटी में उसको हम डिफाइन करके आगे आ चुके हैं, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ। हम इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दोनों में फ़र्क यह है कि वो अचानक एट एनी मोमेंट आप उस चेंज को देख रहे हैं। जैसे कि आप जब सपोज करो स्कूटर चला रहे हैं, तो आपने जब अचानक माइलोमीटर पे अपनी नज़र डाली तो उस समय स्पीड देखा 60 है। तो जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आपको वो माइलोमीटर 60 स्पीड दिखा रहा, इसका मतलब ये एट इंस्टेंटेनस वेलोसिटी आपने चेक की है। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपने एक घंटा बाइक चलाई और घर से निकले एक घंटे में आपने देखा कि आप जो टोटल किलोमीटर्स आपने कवर किए वो 40 आए, सो दैट इज़ द जनरल रेट ऑफ चेंज। तो वो वेलोसिटी जो है डी वी, वो जो डी एस बाई डी टी है, वो वेलोसिटी शो करेगा, वो एवरेज वेलोसिटी दिखाएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट तक आपका क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स रहा, या विद रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट टाइम किस रेट से चेंज किया, तो टोटल वेलोसिटी को जनरल में बताएगा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द वेलोसिटी डी एस बाई डी टी, राइट। और जो अचानक जो हमने माइलोमीटर पे देखते हैं वो बोलते हैं उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बस इतना ही फर्क है, तो दोनों में जनरल चेंज होता है, दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज जनरलाइज फॉर द होल कर्व, व्हाट द रेट ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स चेंजेस, दैट इज गिवन बाय द डी वाई डी एक्स एंड दिस इज द इंस्टेंटेनस, राइट। तो देखिए ये टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स हमें एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि हम आगे इन टर्म्स को यूज करेंगे, ठीक है। सो देखिए इसके बाद एक नई टर्म आती है डिफरेंशियल, दैट इज नोन द डिफरेंशियल। तो डिफरेंशियल डिफाइन होता है जब कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, उसको हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया जिसे बोलते हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव। सो दिस इज कॉल्ड द एग्जैक्ट डेरिवेटिव, और एग्जैक्ट डेरिवेटिव जो होता है वो किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में नहीं होता, उसको डायरेक्टली हम बस जो जिसे एक्स है, एक्स के लिए जो डी एक्स लिखेंगे, दैट इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज डी एक्स, एंड दैट इज द डिफरेंशियल ऑफ एक्स ऑल्सो। सो उसको डी एक्स से हम डिनोट करते हैं। देखिए इसके कुछ फॉर्मूले हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ऐसा होता है, डिफरेंशियल ऑफ कॉन्स्टेंट इज, सपोज इफ यू वांट टू राइट द डिफरेंशियल ऑफ कॉन्स्टेंट, सो दैट इज अगेन द जीरो, राइट, डायरेक्ट होगा। और अगर डिफरेंशियल ऑफ u प्लस v प्लस w, ये तीन वेरिएबल्स हैं उनका डिफरेंशियल लिखना चाहेंगे, सो दिस इज कॉल्ड द डी ऑफ u प्लस डी ऑफ v प्लस डी ऑफ w, एंड दीज आर द डिफरेंशियल्स। u वेरिएबल है, v वेरिएबल है, w वेरिएबल है। जब आपने इस तरह से लिखा कि du लिखा है, तो dv और dw, दीज आर द डिफरेंशियल इन u v एंड w, दीज आर द डिफरेंशियल चेंज। What is the change? So what is the general change in delta x होता है absolute error, और dx होता है differential in x।
इसी तरह से डी वाई होता है डिफरेंशियल इन वाई। सो जैसे आप बोलेंगे डेल्टा वाई, डेल्टा वाई तो चेंज होता है किसमें, वाई में एरर है, एरर वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो अचानक किसी पॉइंट पे आई, तो इन जनरल क्या एरर चलती है तो उसको हम बोलते हैं डी वाई। दिस इज डिफरेंशियल, दिस इज द डिफरेंशियल इन वाई। सो दैट टर्म कम्स देयर, डिफरेंशियल वर्ड एक नया वर्ड है और वो एग्जैक्ट डेरिवेटिव के थ्रू आता है। एग्जैक्ट डेरिवेटिव दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसमें नहीं करते हैं, जैसे कि फॉर्मूला ये वाला चल रहा है, इसमें अगर मान लीजिए आप डी ऑफ यू वी यूज करेंगे, प्रोडक्ट फार्मूला है, तो यू बाहर होगा, यू इंटू वी डी वी प्लस वी इंटू डी यू आएगा, इस तरह से फार्मूला चलता है। ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज करो फार्मूला यूज करेंगे डी ऑफ यू बाई वी, तो इसमें वी आएगा वी इंटू डी यू माइनस माइनस का यू इंटू डी वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर आएगा स्टेट। सो दैट इज द डी ऑफ यू बाई वी, इट इज नॉट विद रेस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल। सो दीज आर नोन एज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स। इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो ये हम मेनली पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन जब टॉपिक हम लेंगे तो उसमें और डिटेल में इसमें जाएंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डेरिवेटिव। ठीक है, उसका थोड़ा सा वो यूज यहाँ पे आता है इसमें डिफरेंशियल फॉर्मूले को डिफाइन करने में। तो इसकी हम डेफिनेशन ले लेते हैं डिफरेंशियल की। नेक्स्ट, ये मैं आपको आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से वर्कआउट करना है उसमें थोड़ा फास्ट वर्क हो जाता है, थोड़ा साथ ही साथ में वो भी बताऊंगा कि सीबीएसई में किस तरह से वो वैल्यू निकालनी होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, तो उसका थोड़ा स्लाइट वर्किंग मेथड है, अगर आप उसके थ्रू जाते हैं तो भी वैल्यू निकलती है, बट दैट इज द एल्गोरिथम फॉर द 12th सीबीएसई, राइट। तो हम दोनों पैरेलल में देखेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से फास्ट वर्कआउट कर सकते हैं। अगर कंपटीशन पॉइंट उसके लिए लेंगे, किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप उसको डिफरेंशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखिए डिफरेंशियल वर्ड जो मैं पिछले क्लास में भी समझाया था आपको कि dy होता है डिफरेंशियल इन y, दिस इज द डिफरेंशियल इन y, राइट। इसी तरह से जो dx लिखा जाता है, dx दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इन x, तो डिफरेंशियल इन x इज dx, डिफरेंशियल इन y इज dy, राइट। और तो पूछेंगे कि वो चीजें क्या थी जो डेल्टा वाई लिखते थे हम, डेल्टा वाई इज अ चेंज और बोल सकते हैं एरर इन वाई इज कॉल्ड द डेल्टा वाई, एंड दिस इज कॉल्ड द डेल्टा एक्स, दिस इज द एरर इन एक्स। एरर बोलेंगे या चेंज बोलेंगे, दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब हमें डिफरेंशियल का जो मेन डेफिनेशन वो लिखना है, फॉर द फंक्शन y equals to fx, differential of y, right? वो dy होगा, इसकी बात कर रहा है ना, differential of y is equal to derivative of y with respect to x multiplied by differential of x। देखिए ये इन्होंने differential of y को निकालने का formula बनाया हुआ है, तो differential formula बोलते हैं इसको, this is called dy, dy is equals to dy by dx, dy by dx निकाल लो, into dx निकाल लो, ठीक है ना। तो ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले में dy by dx हम जनरल डेरिवेटिव कर सकते हैं फंक्शन का, और dx निकालेंगे, dx। और ये कन्वीनियंस के लिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखिए कि ये जब भी करता है तो अजम्पशन में डेल्टा x को आप इसको इक्वल ले सकते हैं, डेल्टा x को dx के इक्वल, और डेल्टा y को ले सकते हैं इक्वल टू दिस, यू कैन टेक इक्वल्स टू dy, इसको इसके इक्वल लिया जाता है,
ठीक है ना। बाय टेकिंग दीज टू इक्वल हम इसको आपस में जो भी जैसी रिक्वायर्ड वैल्यूज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं पहले आपको एक प्रूफ ले लेता हूँ एज पर सीबीएसई कि कैसे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो हमने एक अप्रॉक्सीमेशन टर्म्स को यहाँ पे यूज किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कभी निकालनी होती है तो उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम आगे कई क्वेश्चंस में जाएंगे और उसको मैं आपको बताऊंगा कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फास्ट होता है, उसमें खाली डिफरेंशिएट कर दीजिए और इस वैल्यू को निकाल देते हैं तो कई बार उसकी भी जरूरत नहीं होती है, फास्ट वर्कआउट हो जाता है इजीली। हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्मूलेज जो मैंने आपको बताए थे डायरेक्टली उन्हीं को यूटिलाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी निकल जाता है, खाली dy चाहिए होता है आपको, ठीक है ना। और जो चेंज वैल्यू है, जैसे आपने ये वैल्यूज निकालनी है, तो इफ यू रिक्वायर द चेंज वैल्यू ऑफ y तो y प्लस डेल्टा y, उसकी एरर उसके साथ में जोड़ के जब आप बोलोगे तो देन इट इज कॉल्ड द चेंज्ड वैल्यू ऑफ y, है ना। और अगर आप सपोज ये बोलोगे कि व्हाट इज द चेंज्ड वैल्यू ऑफ x, सो दैट विल बी द x प्लस डेल्टा x, तो वो x प्लस डेल्टा x होगी, ठीक है ना। इस तरह से लिखा जाता है। अब पहले हम ले लेते हैं इसमें सबसे पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हम देख लेते हैं, व्हाट इज द वर्किंग मेथड। 12th में सीबीएसई में यदि आपको सेम एग्जाम लिखना है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए आएगा तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट, वर्किंग मेथड। और अगर कंपटीशन में कर रहे हैं तो फिर अलग। देखिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हर स्टूडेंट को जो कि 12th का एग्जाम दे रहा है कि जब 12th सीबीएसई में हम लिखे हैं उसी चीज को आपको आता है सॉल्व करना, लेकिन आप वर्किंग मेथड का हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, एग्जामिनर आपको कट कर देगा। वो 100% राइट है लेकिन वो कट कर देगा तो फिर कोई फायदा नहीं है उसका। आप बोलेंगे हमने सही किया लेकिन मार्क्स नहीं मिले, तो उसके पीछे रीजन वही है कि वो जो एज पर सीबीएसई को आप देखेंगे, एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो उसमें जो वर्किंग मेथड दी हुई है उसी को यूटिलाइज करना है। आपको आंसर निकालना आ गया तो वो तो हम कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं, वो बहुत फास्ट भी होता है, लेकिन 12th का एग्जाम देंगे तो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम 12th में उसको कैसे दोनों चीजों को मतलब साथ साथ ध्यान रखें कि ये हम 12th एग्जाम के लिए यूज कर रहे हैं, ये कंपटीशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये इस मामले में बिल्कुल एकदम सावधान होकर आप काम कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ सारा, ये 12th सीबीएसई में यूज होगा, मेन एग्जाम जब आप देंगे 12th का तो उसके लिए यूटिलाइज होगा। एंड दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द, दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स बी गिवन फंक्शन। देखिए ये गिवन फंक्शन है एंड इफ चेंज इन एक्स बी डेल्टा एक्स, सो करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई इज डेल्टा वाई। तो हम ये भी बोल सकते हैं चेंज्ड वैल्यू ऑफ एक्स, ये हो जाएगी आपकी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, राइट। चेंज्ड वैल्यू ऑफ वाई वो आप लिखोगे वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो पहला स्टेप इसमें ये होगा, पहला आप वैल्यू निकाल लेंगे इसमें, फाइंड डेल्टा एक्स पहला काम ये इसको निकाल लीजिए, है ना। एंड पुट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, उसको डी एक्स के इक्वल लेट कर लेंगे। होता नहीं है एग्जैक्टली, नहीं होता। डेल्टा एक्स तो पूरे फंक्शन में इंस्टेंटेनियसली कहीं पे अचानक बहुत ही पतली स्लिट की कट की हुई है, आप समझे उस बात को, कि उस चीज को हम डेल्टा एक्स बोल रहे हैं या एरर की हुई है उसमें, राइट। तो वो जो एरर है उसको हम पूरे होल फंक्शन के लिए जब बोलते हैं तो उसको डी एक्स बोलते हैं,
दैट इज नोन एज द डिफरेंशियल इन एक्स। लेकिन जब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो डेल्टा एक्स को हम डी एक्स के इक्वल ले लेते हैं, राइट। अच्छा, दूसरा ये काम करेंगे, फाइंड, सेकेंड स्टेप बता रहा हूँ मैं, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, एंड फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वाई। देखिए ये पॉइंट कौन से होंगे, ये जो ओरिजिनल एक्स वाला पॉइंट है, ओरिजिनल वाई वाला पॉइंट है, वो यहाँ रखना पड़ेगा विदाउट एरर। ये बात समझ लें ध्यान से कि जैसे एक्स वाई पॉइंट कौन सा हुआ, मैं एग्जाम्पल ले रहा था आपको उस बात का कि हमने एक डिस्क को हीट किया राइट, तो इनिशियली उसकी रेडियस थी 10 सेंटीमीटर, और जैसे ही हीट हुई तो उसकी रेडियस हो गई, बाद में हो गई 10.2 सेंटीमीटर, रेडियस उसका बदल गया, थोड़ा रेडियस बढ़ गया उसका, ठीक है। डिस्क थी मेटल की, उसको आपने हीटअप किया, राइट। तो व्हाट इज देयर, दिस पॉइंट टू इज द एरर इन एक्स, आर प्लस डेल्टा आर है, ये आर प्लस डेल्टा आर आप ले सकते हैं, ये डेल्टा आर होगा, तो आर कितना होगा, आर उसमें 10 होगा, राइट, उसी 10 की बात कर रहे हैं। तो जब आर 10 लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जैसे डिस्क की बात कर रहा है, तो ये जो एग्जाम्पल से हम बात को समझना चाह रहे हैं, उस समय जो एरिया होगा वो वाई की वैल्यू होगी, एक तरह से वो वाई होगा, ये एरिया और रेडियस में रिलेशन होगा, जैसे यहाँ वाई और एक्स में होता है, ये वाई और एक्स में रिलेशन होता है, तो वो एरिया और रेडियस में रिलेशन होगा, बराबर है। तो वो उस चीज को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू पे निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर एक और काम करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप, जब आपने डी वाई डी एक्स यूज आ गया, यूज द डिफरेंशियल फार्मूला। डिफरेंशियल फार्मूला आपको यहाँ पे भी 12th CBSE के एग्जाम में भी यूज करना पड़ेगा, वो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे, देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे कि मैंने इसको लिख दिया है, दिस इज एज पर द 12th CBSE एग्जाम, में ऐसा ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। सो यूज डिफरेंशियल फार्मूला, थर्ड ये यूज कर लेंगे, dy इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स जो आपने एक्स वाई पॉइंट पे निकाला है, इंटू डी एक्स कर देंगे। डी एक्स देखिए यहाँ फर्स्ट स्टेप में निकल गया था, फिर आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया और उस डेरिवेटिव को आपने एक्स वाई वैल्यू पे निकाल लिया, इस एक्स वाई वैल्यू पे निकाल लेंगे, ये निकल जाएगी, डी वाई निकल जाएगा, सो चेंज वैल्यू जो तीसरी वैल्यू है, सो चेंज अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन वाई जो उसकी वाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, वाई प्लस यहाँ पे एक काम करेंगे, जब आप ये निकालेंगे डी वाई, तो एक और चीज कर लेना, पुट डी वाई इक्वल्स टू डेल्टा एक्स रख लेंगे, वो आप कभी भी कर सकते हैं, ध्यान रखें, ये तो मैंने इनिशियली लिखा ही हुआ है कि इसको कभी भी आप डेल्टा एक्स को डी एक्स के इक्वल लिखते हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, और डेल्टा वाई जो है डी वाई के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है, तो उसको कभी भी निकाल के रख सकते हैं। जब आपने डी वाई निकाला तो उसको डेल्टा एक्स के इक्वल रख दीजिए, तो वाई प्लस डेल्टा वाई, ये इसकी चेंज वैल्यू हो जाएगी, दैट इज द चेंज्ड वैल्यू ऑफ वाई, वाई की चेंज वैल्यू आपके पास में आ गई। इस तरह से हम इसको डिफरेंशियल फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, और एज पर 12th CBSE एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, इस बात को 100% ध्यान रखें कि उसको करना ही पड़ेगा, इसी मेथड से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहाँ पे ऐसा नहीं बनेगा कि हमने आंसर निकाल दिया, ठीक है ना, उसमें गलत कर देगा, वो पूरा आपको 0 मार्क्स देगा। So if you are preparing for the IIT, you knows this question very well, but how to handle, how to write into the 12th CBSE, this is more important, right? ये इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो क्वेश्चन का आंसर आता है, यहाँ पे बात इस बात से फर्क पड़ता है कि CBSE वाला जो है वो 12th एग्जाम में किस तरह से आंसर लिखवाता है, तो उसी तरह से हमें लिखना चाहिए, ठीक है। सो एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहीं पे, एंड टू एंड ये जो क्वेश्चन है ये हम कर रहे हैं बिल्कुल 12th CBSE के हिसाब से।
अभी हम इसको आईआईटी के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, राइट। फिर मैं आपको वो भी बताऊंगा कि आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है। तो जो क्यूब रूट फॉर्मूला है, यहाँ पे जो वर्किंग फंक्शन है वो आप लिख लेंगे। वर्किंग फंक्शन क्या है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट करवा रहा है, वाई इक्वल्स टू एक्स का क्यूब रूट है, एक्स टू द पावर 1/3 है, ठीक है। यहाँ पे पहले 127 का करवाया उसने, तो एक्स वाली वैल्यू पे ही रखा है, सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू 127 लिखेंगे। तो जिस नंबर का हम क्यूब रूट जानते हैं उस नंबर को अलग कर देंगे। देखिए इस नंबर को लिख सकते हैं हम 125 प्लस 2 लिख देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू 125 हो जाएगी यहाँ पे, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2। जब डेल्टा एक्स 2 आ जाएगा तो देयरफॉर नाउ एट एक्स इक्वल्स टू 125, एक्स इक्वल्स टू 125 पे वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें इस फॉर्मूले में रखेंगे एक्स की जगह 125 का क्यूब रूट, तो वो 5 आता है। तो ये वाई, इसकी वाई की वैल्यू आ गई। देयरफॉर एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं जिसमें हम वैल्यू लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू होती है 125, तो उस केस में उसकी वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है 5। नाउ अब आप डिफरेंशिएट करेंगे, नाउ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, वो आएगा 1/3 एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 एक्स टू द पावर माइनस 2/3, राइट। 1/3 और एक्स की जगह, अब एक्स की जगह ये लिखना पड़ेगा 125 टू द पावर माइनस 2/3, सो दिस इज 1/3, 125 टू द पावर 2/3, सो कैन बी रिटन एज 1/3, दिस इज 5 टू द पावर 3, 5 स्क्वायर बचेगा, क्यूब रूट करने पे 5 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, सो दिस इज 1/75, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/75। अब आप देखिए ये हमारी वैल्यू जो है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है, सो देयरफॉर इसमें हमें डेल्टा एक्स भी पता है, डेल्टा एक्स 2 है और डी वाई बाई डी एक्स ये आ चुका है। अब आप एक काम करेंगे, ये इतना सॉल्व किया, अब डिफरेंशियल फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। 12th में लिखना ही पड़ता है ऐसा, सब नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाते हैं भाई। तो यूजिंग यूजिंग डिफरेंशियल फॉर्मूला, सो दैट इज द डी वाई, डी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 1/75 है इंटू डी एक्स, इंटू डी एक्स 2 है, सो दिस इज 2/75, राइट। दिस वैल्यू इज अराउंड 2/75, सो देयरफॉर चेंज वैल्यू ऑफ वाई इक्वल्स टू वो है आपकी 127 का क्यूब रूट करवाया था इसने, वाई प्लस डेल्टा वाई के इक्वल लिखेंगे, वाई की वैल्यू जब एक्स की वैल्यू 125 थी तो वाई की वैल्यू 5 थी, और प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/75, ठीक है। सो 2/75 इट इज अराउंड 0.02, इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.02 के आसपास होगा। देखिए इसको हम निकाल लेते हैं, 75 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 0 लगाएंगे, एक पॉइंट लेंगे, फिर एक 0 लेंगे, 0 लेंगे और 2 जा 150, राइट। जो इट इज अराउंड 5.5 प्लस 0.02, दिस इज 5.02, दिस इज द आंसर। देखिए सेम क्वेश्चन यदि वैसे लेना है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, आप उसको सेम मतलब आईआईटी में अटेम्प्ट करना चाहते हो और ये बोल दे कि फाइंड आउट द क्यूब रूट ऑफ 127, तो हम कैसे यूज करेंगे वो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत कुछ डिफरेंशियल फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डिफरेंशियल फॉर्मूला नहीं मालूम होगा, वो तो आपको पता ही होता है। और लेकिन यहाँ पे हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव का यूज करते हैं। अब जैसे ये क्यूब रूट करवाता है 127 का, आप ये 12 सीबीएसई छोड़ दीजिए, अभी सपोज हम आईटी जेई के लिए इसको कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, और सेम क्वेश्चन वहां पे आ जाता है, ही आस्क फाइंड
फाइंड आउट द डिफरेंशियल, और ये नहीं देता है, ये यूज नहीं बोलेगा, ये आपसे खाली क्वेश्चन में इतना देगा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 127। आईआईटी जेई में ये नहीं दिया होता है कि इस मेथड से सॉल्व कीजिए या उस मेथड से सॉल्व कीजिए, कैसे भी सॉल्व कीजिए आप 127 का क्यूब रूट आप बता दो, ठीक है, तो वो वैल्यू बताने के लिए आएगा, वो वर्ड यूज नहीं करेगा, यूज डिफरेंशियल टू फाइंड आउट दिस एंड दैट, यू कैन यूज एनी फॉर्मूला, वी हैव गिवन द फोर ऑप्शंस, तो उसी से करना है। तो देखिए वो कैसे देगा, हम एक चीज जानते हैं कि 125 का जो क्यूब रूट है वो हमें पता है 5 होता है, तो ये एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता है, फॉर्मूले का आपको आइडिया होना चाहिए कि क्यूब रूट का फॉर्मूला यूज कर रहा है, और यहाँ पे हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव का यूज कर लेंगे, एग्जैक्ट डेरिवेटिव का यूज करेंगे, दिस इज द dy, और उसको लिखेंगे आप 1/3 और x टू द पावर 1/3 माइनस 1 nx n माइनस 1, x का लिख देंगे dx, राइट, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/3 x टू द पावर माइनस 2/3 इंटू dx, राइट, सो लिखिए dy की वैल्यू, इसमें डायरेक्टली आप x का वैल्यू प्लेस कर देंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x टू द पावर 1 अपॉन x की जगह 125 लिखेंगे टू द पावर 2/3 इंटू dx, dx जो x में एरर थी वो 2 की थी वो लिख देंगे, सो दैट इज द 1/3 इंटू दिस इज द 525, ये आ गया, हां सो 2 आ गया, सो डायरेक्टली आपके पास में 2/75 dy वैल्यू आ गई, सो देयरफॉर चेंज वैल्यू, राइट, सो चेंज अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो इसको चाहिए था डायरेक्टली, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखिए ये बिल्कुल मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आईआईटी में कैसे अटेम्प्ट करना है, कंपटीशन में आपको दे रहे हैं एग्जाम तो कैसे लिखना है, तो वो उसकी बात चल रही सारी, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई, तो देखिए जब एक्स 125 था तो वाई 5 था, और इसमें हमने जो डी वाई निकाला 2/75 आ गया, राइट, तो इस तरह से वाई की वैल्यू यहाँ 5 लिख लेंगे, वाई प्लस डेल्टा वाई लिख रहे हैं, सो अगेन दिस इज 5+0.02, और फटाफट आंसर लिख देंगे 5.02, इस तरह से हो जाएगा, तो ये मतलब फास्ट वर्किंग मेथड है, लेकिन यहां मैंने इसमें इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का यूज किया है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन का यूज करके इसको पूरा सॉल्व किया है, और वहां हम डिफरेंशियल फॉर्मूले से उसको सारी चीज को निकाल रहे थे और उसके बाद में पूरा वर्कआउट कर रहे थे, राइट, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फास्ट आ गई है मेरे पास, हमें वो वर्किंग मेथड पूरा पूरा डिटेल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ एग्जैक्ट डेरिवेटिव का यूज करेंगे और फिर बाद में उसको वाई प्लस डेल्टा वाई लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को समझ लें कि रेडियस ऑफ अ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यहाँ पे जो इसकी यूनिट दी होती है, यूनिट से ही हमें मेन पॉइंट समझ में आता है कि क्या चीज दिया हुआ है, यूनिट है सेंटीमीटर, तो dr/dt गिवन है, राइट, और बैलून का बोल रहा है रेडियस चेंज कर रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो इसका मतलब ये dr/dt गिवन है और वो दे रखा है 10 cm/s। देखिए ये बहुत साफ होता है, जो यूनिट जो दी थी होती है उसी से हम बात को पकड़ते हैं कि उसने मतलब दिया हुआ क्या है, आप वो बोल रहा है कि रेडियस ऑफ बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, ठीक है, इंक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 10 cm/s है ना, तो रेडियस हम मान लीजिए r लेते हैं, तो dr/dt कर देंगे, तो ये एक इंफॉर्मेशन गिवन है, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग, तो सरफेस एरिया में एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया होता है 4πr², राइट, और अब ये पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, तो उसको चाहिए dA/dt, तो अगर देखिए इसको एरिया जो है रेडियस के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, बट वी वांट द इन टर्म्स ऑफ टी, तो अब आप एक काम करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सामने, एरिया होता है आपका 4πr², राइट, इसको आप डायरेक्टली dA/dt करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोला है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम देखें किस तरह से करेंगे, जो हम चेन रूल में यूज करते थे फॉर्मूला सेम आ जाएगा, 4πr² का 2r होगा और r का t के रेस्पेक्ट में dr/dt होगा,
और उठा के आपको ये वैल्यू रक्स में रख देनी है व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दे रहा है, इस R15 पे आप इस वैल्यू को इसमें यूज करेंगे और वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस तरह से आएगा ये 4 टू जा 8 पाई इंटू R इज 15, 15 इंटू और dr/dt की वैल्यू थी 10, तो इसमें टोटल आ जाएगा 15 8 जा 120, 1200 एंड दिस इज पाई। और यूनिट यहां से देख के लिखेंगे आप, यूनिट उधर मत देखिए अभी, मान लीजिए उसमें यूनिट अलग अलग भी लिख सकता ऑप्शन में। तो डायरेक्टली क्या करेंगे, यूनिट हम देखिए एरिया को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो सेकंड्स में दिया हुआ है, सेकंड में यूनिट यूज कर रहा है, तो आपको इसका मतलब सेकंड में ही लिखना है, ठीक है। मिनट में दिया होता तो मिनट में यूज करते हैं, कई बार ध्यान रखेंगे कि वो चीज फिजिक्स में आप यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत अच्छी तरह सीख के आ चुके होते हैं कि उसमें यूनिट चेंज करनी होती है, सेम यूनिट में सारा वर्क करना होता है, सो यू हैव टू चेंज द यूनिट अगर वो यूनिट गड़बड़ करके देता है तो, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, राइट। इस कर्व के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, इस कर्व पे पार्टिकल जा रहा है, तो फाइंड द पॉइंट ऑन ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। अब जब ये कोऑर्डिनेट में चेंज की बात बोलता है इस तरह से कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, तो ये सब कुछ टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, कर्व पे पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। सो वो बोलता है कि वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट से 8 टाइम्स फास्ट चेंज कर रहा है, तो फास्ट मतलब कैसे, इट इज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्स कोऑर्डिनेट में जो चेंज है, पहले हम देखिए वाई कोऑर्डिनेट में चेंज लिखेंगे, ये जो गिवन है इस बात को लिख लें हम, पहले गिवन में ये है कि वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, तो इट मीन्स dy/dt है, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड द dy/dt, और चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट इज dx/dt, ये एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, राइट। और अब क्या बोला है इसने, रिलेशन इसमें डाला हुआ है वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्टर, सो इसको हम क्या करेंगे, इन इन ऑर्डर टू मेक इट इक्वल वी विल राइट द dy/dx, dy/dt इज चेंजिंग 8 टाइम फास्टर देन dx/dt। ये एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज है जिसको dx/dt से हम डिनोट करते हैं, राइट। और दिस इज द हाउ द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, दिस इज द dy/dt। तो ये तो एक रिलेशन गिवन है। अब आप देखिए सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे वो उसको फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स, वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन विच जिन पे की ऐसी पोजीशन है, और इसने ऑप्शन में 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जहाँ पे की वाई कोऑर्डिनेट फास्ट चेंज करे 8 कोऑर्डिनेट से, 8 टाइम्स देन द एक्स कोऑर्डिनेट, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 6 dy/dt देखिए इक्वल्स टू एक्स क्यूब का आप लिखोगे पहले 3x² फिर एक्स का लिखोगे टाइम के रेस्पेक्ट में dx/dt, राइट। कांस्टेंट का होगा 0, ये चीज खत्म हुई। अब एक काम कीजिए, ये आपके पास में गिवन रिलेशन है, dy/dt की वैल्यू रख देता हूँ मैं 8 टाइम्स ऑफ dx/dt, राइट। सो दिस विल बी 3x² dx/dt, और देखिए दोनों तरफ dx/dt कैंसिल हो जाता है, सो दिस इज 48 3x² 3x² इधर लिख लीजिए इक्वल्स टू 48 लिखा जा सकता है। सो x² इक्वल्स टू दिस इज 3 3 3 8 6 6, सो दिस इज x² इज 14, x इक्वल्स टू +-4। देखिए यहाँ पे हमें x के को x कोऑर्डिनेट मिल गया, x की वैल्यू अगर +-4 है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को उसमें रख देंगे। ये जो टोटल सिचुएशन इसने दिखाया था कि ऐसा हो रहा है, ऐसा जो पोजीशन थी और ये गिवन रिलेशन था, इस गिवन रिलेशन को हमने इसमें यूज कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, राइट, dx/dt उड़ा दिया, और उसके बाद में जो एक्स का वैल्यू मिला तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट दिखा रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट +-4, मतलब दो पोजीशन पे ऐसी बात होगी,
एक्स जहां 4 होगा और एक्स जहां पे माइनस 4 होगा। तो अब एक्स को 4 प्लेस कर देंगे, पुटिंग एक्स इक्वल्स टू 4, एक्स इक्वल्स टू 4 कर्व में, मेन कर्व में पुट करेंगे। सो 6y इक्वल्स टू एक्स 4 पुट करेंगे, 4³ + 2। सो दिस इज द 4, 4³ = 16, 4 जा 64, 66 हो जाता है, तो y की वैल्यू आ जाती है 11। देयरफॉर 4 11 इज 1 पॉइंट, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा 4 11। अब यहां पे देखिए, कभी हमें जब एग्जाम में हम तैयार कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा दूसरा पॉइंट निकाले। दूसरे पॉइंट में एक्स का वैल्यू -4 है, अगर -4 पुट करेंगे तब आएगा ना। तो 4 11 पॉइंट यहाँ पे खाली एक ही जगह दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 4 11, राइट। 4 11 जब दिया हुआ है और ये कोऑर्डिनेट हम जब निकाल ही चुके हैं, तो दूसरा कहीं 4 11 है भी नहीं, और सेकंड कोऑर्डिनेट उसमें -4 है, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन राइट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे जब अगर आप चाहें जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हो और ये क्वेश्चन आ जाए, तो भी बी ऑप्शन राइट कर दीजिए। इसके बाद में, इसके बाद आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें भी 15-20 सेकेंड्स लगते हैं, ठीक है ना। तो वो हम बचाएंगे और डायरेक्टली हमें यहाँ पे आंसर दिखने लग रहा है कि बी ऑप्शन ही जा सकता है, क्योंकि एक्स का वैल्यू भी हमारे पास में है। ये मैं आपको थोड़ा प्रूफ करने के लिए वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ। एक्स की वैल्यू -4 इसमें रख देंगे, सो दिस इज -4³ + 2, 6y कैन बी इक्वल्स टू -64 + 2, नाउ 6y इक्वल्स टू -62, सो y कैन बी इक्वल्स टू -31 बाय, दिस इज -62 / 6, सो इसको पूरा डिवाइड करेंगे, -31/3, 2 से डिवाइड कर देंगे। सो एट द एक्स इक्वल्स टू -4, देन सेकेंड कोऑर्डिनेट इज -31/3। देखिए बी ऑप्शन इसमें राइट होता है, इस तरह से जो है हम डिसाइड कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फेरिकल बैलून इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 16 cm³/s ऑफ गैस। अब देखिए यहाँ जब ये लिखता है और साथ साथ में ये इसकी यूनिट भी दे देता है, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन इसने दे ही दी, मतलब ये बहुत आसान हो जाता है कि जिस तरह से वो यूनिट बोल रहा है, तो हम बिल्कुल मतलब डायरेक्टली हमें पता लगता है कि हमें लिखना क्या है इसमें। तो देखिए डायरेक्टली ये बोल रहा है कि dv/dt बैलून है, बैलून का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम है तो उसका वॉल्यूम cm³ वॉल्यूम ही होता है, वॉल्यूम और उसको टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो यहाँ जो यूनिट गिवन है वो आपको dv/dt बहुत ही इजीली बता रहा है कि ये cm³/s इसकी रेट से इसको इन्फ्लेट कर रहा है, यानी कि उस रेट से उसको फुला रहा है, राइट। एंड एट द इंस्टेंट, जबकि व्हेन बैलून कंटेन्स द 36 π³ ऑफ गैस, तो जो वॉल्यूम है बता रहा है कि वॉल्यूम जब इसमें 36 π हो, तो ये इतना वॉल्यूम जब होगा गैस का, हाउ फास्ट इज इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग। तो देखिए हाउ फास्ट वर्ड बोलेगा, तो dr/dt आपको निकालना है, इसमें dr/dt इसमें निकालना है। तो ये बहुत आसान हो गया, ये हमने रॉ मटेरियल जो है इसका क्वेश्चन का निकाल के देख लिया कि क्या क्या रॉ मटेरियल दिया हुआ है। रॉ मटेरियल पहले पता होना चाहिए, तब तो हम क्वेश्चन को आगे बनाएंगे, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल हमें क्लियरली मालूम पड़ रहा है। अब उठा के आप एक काम कीजिए कि बैलून का वॉल्यूम लिखिए, वॉल्यूम लिखते हैं 4/3 π r³, ठीक है, और इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, dv/dt दिस इज 4/3 π, r³ को लिखेंगे 3 r² और r का लिखेंगे चेन रूल से dr/dt, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 4π r² 4π r² dr/dt हो गया, राइट। एंड दिस इज dv/dt, dv/dt है गिवन है, हम उसको रख सकते हैं, लेकिन dv/dt अगर यहाँ रख देंगे तो हमें चाहिएगा dr/dt का वैल्यू, तो उसके लिए रेडियस नहीं मालूम है, रेडियस नहीं पता है कि जब ये वॉल्यूम 36 π रहा होगा, तो उस समय रेडियस कितनी रही होगी। तो एक काम कीजिए, यहाँ डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रखेंगे, वॉल्यूम जो दे रखा है इसने उसको 4/3 π r³ लिखो, 36 π, और पाई के फॉर्म में इसलिए दिया है कि पाई से पाई कट जाए, ठीक है। तो उसको आप लिखेंगे r³, 3 × 36 / 4,
दिस इज 3 9 जा 9, तो आर क्यूब डायरेक्टली 27 देखिए हो रहा है। आर की वैल्यू कितनी आएगी? 3। आर की वैल्यू जो 3 आएगी वो आप यहाँ रख देंगे। अब सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, उठा के वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। देखिए डीवी बाई डी टी आपको 16 गिवन था, प्लेस किया 4 पाई हो गया। आर का वैल्यू उस समय 3 था तो 9 आ गया, और निकालना डी आर बाई डी टी है, निकालना डी आर बाई डी टी है, तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम उधर ले जाएंगे, डी आर बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी दिस इज 16 अपॉन दिस इज 4 पाई इंटू 9, राइट। इसको बेटर लिख सकते हैं, ये 4 टाइम्स कट जाएगा, 4 अपॉन 9 पाई, दिस इज 4 अपॉन 9 पाई। देखिए ये बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। रेडियस इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट एंड इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। अब कोई चीज अगर उसने बोला है कि इंक्रीज हो रही है तो वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो उसने बोला कि इट्स हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो डिक्रीज में उसको इसने इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी है उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, एल्जेब्रिक वैल्यू उसमें लेनी पड़ेगी। वो हम करेंगे, व्हेन द रेडियस इज 3 मीटर एंड द हाइट इज 5 मीटर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वुड चेंज एट द रेट ऑफ, तो वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा? तो अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वुड चेंज एट द रेट ऑफ, इसको यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो डीवी बाई डी टी की वैल्यू रिक्वायर्ड है, डीवी बाई डी टी रिक्वायर्ड है, और बाकी सारा रॉ मटेरियल दिया हुआ है। तो वो रॉ मटेरियल, अब सिलेंडर के वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय द पाई आर स्क्वायर एच, और सीधा साधा हम एक काम करेंगे, रेडियस जो इंक्रीज बता रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो वो आपको दे रहा है डी आर बाई डी टी की वैल्यू, और दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये बढ़ रहा है, पॉजिटिव लिख दिया। एंड द हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जब हाइट बोल रहा है कि हाइट इसका डिक्रीज कर रहा है 3 मीटर, सो इसको -3 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, -3 हम लिखेंगे। देखिए ये इसकी एल्जेब्रिक वैल्यू होगी, उसने डिक्रीज बोल के लिखा 3 ही है, लेकिन हम उसको नेगेटिव लिखेंगे जब वैल्यू प्लेस करेंगे, तो हमारा सही जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें यह हो जाएगा, एंड व्हेन द रेडियस इज 3, जब आर की वैल्यू 3 होगी एंड हाइट इज 5, हाइट 5 हो 5 मीटर्स में हो दोनों, है ना, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वुड चेंज एट द रेट ऑफ, तो वो चीज निकालनी है। सीधा सीधा आप उसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसको हम डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो उस तरह से वर्कआउट हो जाएगा। डीवी बाई डी टी दिस इज डीवी बाई डी टी, पाई इज कॉन्स्टेंट, तो आर स्क्वायर बाहर रखा, डी एच बाई डी टी प्लस अब की बार एच बाहर, तो आर स्क्वायर का होगा 2 आर, आर का लिखेंगे डी आर बाई डी टी, ठीक है, चैन रूल लगेगा पूरा। देखिए एच आउटसाइड में है और आर स्क्वायर का लिखना था, आर स्क्वायर का 2 आर हुआ और फिर आर का हुआ डी आर बाई डी टी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सो इट इज द डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। नाउ फिल द वैल्यूज, पाई की वैल्यू है, आर स्क्वायर लिखेंगे 9 हो गया, इंटू डी एच बाई डी टी, डी एच बाई डी टी आप लिखेंगे -3 वैल्यू लिखेंगे, प्लस जब हाइट 5 हो 2 इंटू आर का वैल्यू कितना हो 3 हो, और डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी पॉजिटिव 2 हो, तो ये सारी वैल्यूज आ गई, चेक कर लीजिए, दिस इज -27 प्लस दिस इज 10 इंटू 6 60, दिस इज 60, तो 27 माइनस का 60 33 बचेगा, 33 पाई, और वॉल्यूम है तो यहाँ लिमिट, यहाँ इसकी जो यूनिट है, यूनिट आप यहाँ से देख के सीधी लिख सकते हैं, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, ठीक है, सो दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड इज द आंसर, चेक द आंसर, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन, एक्चुअली इसने ये बोला कि एक्स एंड वाई आर द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, तो ऐसा करते हैं हम 2 स्क्वायर ले लेते हैं छोटे, ये एक पहला स्क्वायर हो गया, सेकेंड स्क्वायर हो गया, इसका एरिया हम ए वन बोल देंगे, सेकेंड वाले का ए टू बोलेंगे, राइट। एंड एक्स एंड वाई आर द साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर्स, सो लेट से दीज आर द साइड्स, इनकी दोनों की साइड्स हैं और ये इनके एरिया हो जाएंगे,
A1 एरिया जो होगा इसका x स्क्वायर होगा, सेकेंड स्क्वायर का एरिया A2 वो हो जाएगा y स्क्वायर, उसकी अगर साइड y है तो वो y स्क्वायर हो जाएगा। बट वी वांट द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सेकेंड, सेकेंड का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में चाहिए इसको, ठीक है ना। तो जो वैल्यू रिक्वायर्ड है वो ये है कि dA2 / dA1 रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखिए वापस बोलो इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। अब हम एक काम कर सकते हैं, एरिया को हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको भी, लेकिन इसने एक रिलेशन और प्रोवाइड किया था कि वाई को आप इस एक्स के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो A2 जो एरिया है उसको हम y की जगह ये वैल्यू प्लेस कर लें, x - x² का होल स्क्वायर, तो अब ये भी x के टर्म्स में हो गया, ये भी x के टर्म्स में हो गया, राइट। इसको dA/dx कर देते हैं, इसको dA2/dx कर देते हैं, दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर उसको उसको उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल देते हैं, यही हमें निकालना था, ठीक है। सो व्हाट इज देयर, सो dA1 हो जाएगा इज 2x, दिस इज 2x, व्हाट इज dA2, इसका डेरिवेटिव आएगा 2 times of x - x² बाय द चेन रूल आएगा 1 - 2x, x - x² का आ जाएगा 1 - 2x, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, देयरफॉर dA2 by dA1 हो जाएगा आपका 2 times of x - x² into 1 - 2x, एंड इट इज डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, दिस इज 2x, 2x से डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। 2 से 2 गया और 1x हटा दो, 1 - x into 1 - 2x एंड मल्टीप्लाई, दिस इज 1 - 2x - x प्लस का 2x² वैल्यू को आप लिख सकते हैं, दिस इज 2x² माइनस का 3x एंड प्लस 1, चेक द आंसर, 2x² - 3x + 1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज हाउ द बी ऑप्शन बिकम्स करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन राइट, उसको हम पहले समझते हैं क्या लिखा है इसने। वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन विथ इट्स वर्टेक्स डाउन, वर्टेक्स डाउन, तो ये आप शेप जरूर बना दीजिए पहले से ही, इतना तो इसने दिया ही हुआ है, इट्स शेप इज डाउन एंड सो वर्टेक्स इज डाउन, राइट, वर्टेक्स डाउन, इट्स हाइट इज 10 सेंटीमीटर, सो हाइट इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज द हाइट, एंड द रेडियस ऑफ बेस इज 15 सेंटीमीटर, सो रेडियस ऑफ बेस इज 15 सेंटीमीटर एंड दिस हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर, इस तरह से दिया हुआ है। वाटर लीक्स आउट ऑफ द बॉटम एट द कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, देखिए पानी इसमें से लीक कर रहा है, वॉट इज लीकिंग आउट फ्रॉम द वेसल एट दिस रेट, सो पानी जो निकल के जा रहा है, इसमें से पानी निकल रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की रेट से, इसमें पानी लीक कर रहा है, दिस वाटर इज गोइंग राइट 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वाटर इज पोर्ड इन टू द टैंक, और पानी टैंक में पानी ऊपर से डाल भी रहे हैं, सो इट इज पोर्ड इन टू द टैंक एट द कॉन्स्टेंट रेट सी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और देखिए ये रेडियस है, रेडियस ऑफ दिस इज द 15 सेंटीमीटर, वाटर इज पोर्ड इन टू द टैंक एट द सी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एंड दे आर कंटिन्यूसली पोरिंग द वाटर इन टू द टैंक एंड द वाटर इज लीकिंग आउट फ्रॉम द टैंक, बोथ कंडीशन आर देयर राइट। कंप्यूट सी सो दैट द वाटर लेवल विल बी राइजिंग एट द रेट ऑफ, सो स्टिल बिकॉज दे आर पुटिंग, ये ज्यादा पानी इसके अंदर डाल रहे हैं, ज्यादा पानी डाल रहे हैं और जिस रेट से लीक हो रहा है वो कम हो रहा है, तो वाटर लेवल फिर भी इसका ऊपर बढ़ रहा है, वाटर लेवल इसका बढ़ रहा है ऐसा बोल रहा है ये, और वाटर लेवल बढ़ रहा है इसका किस रेट से, दिस इज द एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट, ये इसको क्वेश्चन वापस मैं बोलता हूँ, इसको देखिए आप ध्यान से, कंप्यूट सी सो दैट वाटर लेवल विल बी राइजिंग एट द रेट ऑफ, वाटर लेवल का राइज जो बोल रहा है
dH by dt है, this is 4 centimeter per second, at the instant when the water is 2 centimeter deep. तो उसमें जब हाइट वाटर की 2 सेंटीमीटर हो और जब वाटर वाटर में हाइट 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की इस रेट से जब बढ़ रही हो, तब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द कम वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या है, और सी क्या है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दे आर पुटिंग इनटू द टैंक, और वो टैंक में इस रेट से पानी डाल रहे हैं और पानी लीक भी कर रहा है, ठीक है। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन। तो अब इसको हम एक तरह से लेंगे, ओवरऑल जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है इसका पानी का, तो ये इतना पानी डाल रहे हैं और ये लीक कर रहा है, सो द चेंज इन वॉल्यूम, सो हम बेसिकली लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, सी डाला है माइनस वन की हुआ है, और दिस इज द डीवी बाय डीटी, दिस इज द चेंज इन वॉल्यूम, सी इज दे आर पुटिंग प्लस, और माइनस वन वाला जो बाहर जा रहा है उसको माइनस कर देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं डीवी बाई डी टी के इक्वल। अब देखिए जो वॉल्यूम होता है इसका, वॉल्यूम होता है आपका, वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, वॉल्यूम ऑफ द कोन, राइट। अब दोनों में r और h में एक रिलेशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो इसने इंफॉर्मेशन दी है वो dh बाई dt की दी है, dh बाई dt 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से चेंज करेगा, और कब, जब हाइट 2 सेंटीमीटर हो, तो उस कंडीशन में सी का वैल्यू बताया। देखिए इसने अच्छा सवाल बनाया हुआ है, और वो ये आपको नहीं बता रहा है कि क्या चीज दी हुई है नहीं दी हुई है, वो रेट गिवन है और वो हाइट गिवन है, और उसके बाद में पानी इस रेट से डाल रहा है, इस रेट से बाहर जा रहा है, तो ये आपको क्वेश्चन ये प्लेस्ड है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल सी, सो वो निकालना है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बना, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस वी हैव टू राइट, डी वी बाई टी डी टी रखेंगे। अच्छा आप देखिए रेडियस है 15, रेडियस आर बाई एच, रेडियस आपका 15 है और हाइट है उसमें 10, तो इसमें आ जाएगा 3/2, तो 2r, 2r इक्वल टू 3h, दोनों के बीच में ये इसमें रिलेशन है, और हम एक काम करेंगे, इसको रेडियस को पूरा चेंज कर देंगे, रेडियस को हटा के क्या कर देंगे, रेडियस को आप लिख देंगे r इक्वल्स टू 3/2h, ये पूरा हटा दीजिए क्योंकि h का ही वैल्यू दिया हुआ है, पाई बाय 3, ठीक है, r स्क्वायर मीन्स हम पुट करेंगे r की वैल्यू 3/2h होल स्क्वायर इंटू एच, एच को आप रहने देंगे, ठीक है, और उस वैल्यू को देखिए क्या लिख देंगे, वॉल्यूम हो जाएगा दिस इज पाई बाय 3, ठीक है, एंड दिस इज 9/4h³, और बेटर दिस इज 3/4π लिख लें, ये 3 टाइम्स कट हो गया, सो 3π/4 और πh³, ये बेटर है, वॉल्यूम इस तरह से लिखा जाए, और अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसमें dh बाई dt आएगा, वो वहाँ से प्लेस हो जाएगा, h की वैल्यू वो प्लेस हो जाएगी, एंड वी कैन फाइंड आउट, एंड दिस इज dv बाई dt, इसको हम इसके साथ इक्वेट कर देंगे और फिर देखेंगे कौन सा ऑप्शन उसमें राइट है, राइट। सो दिस इज dv बाई dt इक्वल्स टू 3/4 πh³ का हो जाएगा 3h² बाय द चैन रूल, h का आएगा dh बाय dt, ये डेरिवेटिव हो गया, राइट। और देखिए यहाँ पे फिर आप इसका dh बाय dt का वैल्यू लिख लीजिए, ये आ गया आपका 9π/4 इतने पोर्शन का लिखता हूँ, h स्क्वायर मीन्स h का वैल्यू 4 है, तो 4 आ जाएगा, और dh बाय dt भी 4 गिवन है, ये h स्क्वायर की वैल्यू आएगी, h2 गिवन है, h2 प्लेस किया तो उसका स्क्वायर 4 आ गया, और dh बाई dt अब प्लेस कर रहे हैं वो भी 4 है, तो ये आ गया, एंड दिस इज 36π, सी द dv बाई dt इज 36π, ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ, ये जो रिलेशन हमने लिखा था, देयरफॉर यू कैन राइट द c माइनस 1 इक्वल्स टू 36π, और c इक्वल्स टू 1+36π, और c क्या है, c इज द सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सो दिस इज सेंटीमीटर क्यूब
सेकेंड। कैन वी राइट द सी ऑप्शन राइट? इस तरह से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाता। अब देखिए क्वेश्चन समझ लें। टू मेन्स दे पी एंड क्यू आर टू मैन स्टार्टिंग विद द वेलोसिटी वी। दोनों की सेम वेलोसिटी, इट मीन्स दोनों वी वेलोसिटी से चल रहे हैं। एट द सेम टाइम एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द जंक्शन ऑफ टू रोड्स इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। जो दोनों रोड्स हैं वो ऐसे हैं कि 45 डिग्री के एंगल पे हैं। सो लेट्स से दीज आर द टू रोड्स राइट। दीज आर एट द 45 डिग्री एंगल टू ईच अदर। बोथ द पर्संस आर स्टार्टिंग पी एंड क्यू। तो कभी किसी पोजीशन पे मान लीजिए पी यहाँ पहुँच गया, क्यू यहाँ पहुँच गया, तो वो मान लीजिए अपना चल रहा है वेलोसिटी से एक्स, तो ये एक्स चला होगा और ये भी एक्स चला होगा राइट। ये हम इतना लिख सकते हैं। और जो वेलोसिटी बोल रहा है इसकी, तो डी एक्स बाई डी टी इज द वेलोसिटी। लेट एट एनी टाइम पर टाइम दिस इज द पोजिशन पी पर्सन स्टार्ट हुआ तो वो एक्स डिस्टेंस चला गया, और क्यू है वो भी एक्स डिस्टेंस चला गया, लेकिन दोनों अलग अलग रोड पे गए जो कि 45 डिग्री एंगल पे दोनों रोड्स हैं आपस में ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है। इफ दे ट्रेवल बाय द डिफरेंट रोड्स दे द रेट एट विच दे आर बीइंग सेपरेटेड। तो वो दोनों एक दूसरे से किस रेट से दूर जा रहे हैं, जो उनके दोनों के बीच में आपस में डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है डिस्टेंस वो भी बढ़ती चली जा रही है उनके बीच की ठीक है ना। इस तरह से जैसे दोनों यहाँ से निकले और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके बीच इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। वो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किस रेट से उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, किस रेट से। तो वो मान लीजिए किसी समय पे मान लीजिए ऐसा है कि ये एक्स डिस्टेंस चल गया, ये भी एक्स चल गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है मान लीजिए वाई था। दिस ये यही चीज मेन है जो हम लेट करने वाले हैं कि लेट ये एक्स चला, ये एक्स चला, और उनके बीच में जो डिस्टेंस था लेट डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी एंड क्यू बी वाई, और उनके बीच में जो डिस्टेंस थी उस समय वाई थी। और अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एट व्हाट रेट दे आर बीइंग सेपरेटेड टू ईच अदर, किस रेट से वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो वो जो dy by dt है वो दूर जाने की रेट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कभी ये डिस्टेंस था किसी समय पे, हमने ये लेट किया कि मान लीजिए ये कभी दोनों एक्स एक्स डिस्टेंस चल गए और इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो वाई था, तो किस रेट से दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, तो वो हमें dy by dt ही निकालना है ठीक है। तो वो चीज़ हमें निकालनी है और ये है हमारे पास में dy by dt। अब देखिए इसमें एक फंडा काम करेगा कि यहाँ पे हम लगाएंगे कोसाइन फार्मूला ठीक है, और हम लिखेंगे cos 45, cos 45 लगाएंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उसके स्क्वायर का सम होता है और अपोजिट साइड का स्क्वायर जो माइनस होता है, इंटू टू एक्स इंटू एक्स टू ए बी ठीक है। तो टू एक्स स्क्वायर में लिख देता हूँ, ये आ जाएगा cos 45 वन बाय रूट टू हो गया। सो दिस इज टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एक्स स्क्वायर ठीक है। तो ये हम लिख देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप ले लीजिए, इसको आप लिख लें टू एक्स स्क्वायर, इसको चाहें तो रूट टू से कट भी कर सकते हैं। सो बट अभी देखिए ऐसे रहने देखते हैं, दिस इज टू एक्स स्क्वायर और यू कैन मल्टीप्लाई दिस वन टू रूट टू, दिस इज टू रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर, या इसको हम लिखेंगे इन दोनों नंबर्स को इधर ले लेते हैं, दिस इज टू रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट टू वाई स्क्वायर। अब एक काम करो, इसको रूट टू से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, रूट टू से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर मिलेगा और रूट टू से हमें टू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा माइनस का रूट टू एक्स स्क्वायर राइट। बेटर हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर यदि कॉमन ले लें तो टू माइनस रूट टू बचाइए, और इन दोनों का हम एक काम करें रूट और ले लें, रूट और ले लें, रीज़न है
वो आगे बताता हूँ आपको, कारण क्या है यहाँ पे, y का वैल्यू हो जाएगा x अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2। क्या देखिए, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डायरेक्टली, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो देगा dy बाई डी टी, वही चाहिएगा, और dx बाई डी टी को हम v लिख देंगे, और वो फिर हम आंसर उसमें से ढूंढ सकते हैं कौन सा राइट है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में, dv बाई डी टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा dx बाई डी टी इंटू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2, ये हो गया आपका। ठीक है, और dx बाई डी टी को हम v लिख रहे हैं, v अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2। सो सी, दिस इज द वेलोसिटी, सॉरी दिस इज dy बाई डी टी लिखेंगे, dy बाई डी टी, dy बाय डी टी एट दिस रेट दे आर बींग सेपरेटेड, दिस इज v अंडर रूट ऑफ v, सी ऑप्शन इज करेक्ट, चेक कीजिए, v अंडर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 2 इज अवर राइट आंसर। मैं ये एक लेंदी क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका, जो कि लगभग CBSE 12th का है और आपके लिए भी है, राइट। सो इट हैज दैट थ्री पार्ट्स, इसके तीनों पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे और ये थोड़ा सा स्लाइटली लेंदी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि वाटर इज रनिंग इन टू एन कॉनिकल वेसल 15 सेंटीमीटर डीप एंड 5 सेंटीमीटर इन रेडियस, रेडियस ऑफ द बेस एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो वही कॉनिकल वेसल गिवन है, कॉनिकल वेसल में का इसके डायमेंशंस दिए हुए हैं, डीप मीन्स इट्स हाइट है, उसकी हाइट गिवन है, उस कॉनिकल वेसल की हाइट आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है और रेडियस ऑफ द बेस गिवन है 5 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ, और जो वाटर है, दैट वाटर इज रनिंग इन टू द कॉनिकल वेसल एट द रेट ऑफ 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप। तो ये क्या होता है, किसी भी इंस्टेंट पे आपको पोजीशन बताता है कि जब ऐसा था पानी जिस हाइट पे, उसमें जब पानी भरना चालू किया तो जब इस हाइट पे पानी इसमें भर चुका तो उस हाइट पे उस पर्टिकुलर कंडीशन में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, वो रेट ऑफ चेंजेस हमें निकालने होते हैं। तो व्हेन द वाटर इज 6 सेंटीमीटर डीप फाइंड एट विच रेट, तो उस समय पे किस रेट से वाटर लेवल इज राइजिंग, तो पानी का लेवल कौन पे बढ़ रहा था। ठीक है, वाटर सरफेस एरिया, देखिए कौन में जब आप ऊपर से देखेंगे ऐसे तो उसमें अंदर एक सर्कल टाइप का दिखता है, जो यदि पानी भरा हुआ है उस पर तो उसमें ऊपर से आपको एक सर्कल सा दिखता है, तो वो सर्किल भी बड़ा होता जाता है जैसे ही पानी ऊपर डालते जाएंगे, सो वो सर्किल का शेप जो है बड़ा होता जाता है, वो उस सर्किल की बात कर रहा है। वाटर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, एट व्हाट रेट द वाटर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, राइट। एंड द थर्ड वन इज वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इज इंक्रीजिंग, वेटेड सरफेस का मतलब ये होता है जब कोन के कोन में पानी भरा जाता है, तो कोन मान लीजिए आप अगर पेपर का बना हो तो जितने पार्ट में पानी डाला जाएगा भर जाएगा, तो जो उसका कर्व सरफेस एरिया है कोन का वो उतना भी गीला होता जाएगा, दैट विल बी कंटिन्यूसली वो गीला होता जाएगा, और जब पानी पूरा भर जाएगा तो पूरा कोन गीला हो जाएगा, तो वो बात कर रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया की। देखिए लिखने के लिए तो प्रैक्टिकल लैंग्वेज लिखना पड़ेगा इसको, ये लिख रहा है कि वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल इज इंक्रीजिंग एट व्हाट रेट, इट मीन्स वो ये चाहता है कि किस रेट से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन में एक काम करेंगे, ये आपने एक कोन बनाया राइट, और कोन का पोजीशन दे रखा है 15 सेंटीमीटर डीप, सो लेट्स से दिस इज द 15 सेंटीमीटर, दिस लेंथ इज गिवन, दिस इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस, इसकी रेडियस दी हुई है दिस इज 5 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, दिस इज द एज, हाइट गिवन है, तो यहीं पे हम डायरेक्ट एक काम कर सकते हैं, और ये इसका मेन एक्सिस है। सपोज कभी किसी समय पे पानी जो है इसमें इतना भरा हुआ है, लेट्स से दिस इज द वाटर लेवल हियर राइट, एंड द वाटर इज पोर्ड हियर, सो उस कंडीशन में ये डिस्कस करना चाह रहा है दिस हाइट, व्हेन द हाइट इज एट द 6 सेंटीमीटर डीप, व्हेन द एच इज 6, तो हम वो डिस्कशन में लेंगे बाद में, लेकिन एक रिलेशन यहाँ पे निकाल लें कि आर बाई एच में क्या रिलेशन है, दिस इज आर बाई एच, रेडियस जब 5 थी तो हाइट है आपकी 15, तो उसको आर बाई एच को हम लिख सकते हैं 1 बाई 3,
सो एच इक्वल्स टू थ्री आर हो जाएगा, एच इक्वल्स टू थ्री आर, ये एक रिलेशन मिल गया। अब उठा के सीधा पहला काम ये करना है कि वाटर लेवल इज राइजिंग, वाटर लेवल इज राइजिंग मीन्स वो चाहता है आपसे डी एच बाई डी टी निकालवाना। और वाटर सरफेस एरिया, मान लीजिए ये जो पानी भरा हुआ है यहाँ पे, इसमें जो ऊपर एरिया अपियर होता है उसका एरिया तो हम पाई आर स्क्वायर से ही लिखने वाले हैं, ठीक है। तो उस एरिया को हम निकालेंगे, तो उसको हम निकालेंगे, चलिए डी ए बाई डी टी से लिख लेते हैं। ए फॉर एरिया, एरिया ऑफ द वेटेड, जहाँ ऊपर जो सरफेस एरिया दिखाई देता है उस सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो वो एरिया हम डी ए बाई डी टी, वेटेड सरफेस एरिया। तो इसको हम, इसका जो एस लिखेंगे, एस कर्व सरफेस एरिया, कर्व का वो आपने 10th में पढ़ा, तो दैट इज द पाई आर एल, दिस इज द पाई आर एल। तो इट मीन्स वो निकलवाना चाहता है आपसे डी एस बाय डी टी, ये इसमें हम डी एस बाय डी टी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पहले ही लिख लिया कि क्या हमें किन इंफॉर्मेशंस की जरूरत पड़ेगी, क्या 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 इसमें वर्कआउट करना है। अब देखिए जो गिवन है रॉ मटेरियल में, देखिए कि आपको दे रखा है इसने वॉल्यूम जो है डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी एस का 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की रेट से पानी इसमें डाल रहा है। तो जिस रेट से पानी इसमें डाला जा रहा है 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के रेट से इसमें पानी गिरा रहा है, और उसकी हाइट जो है इंक्रीज हो रही है, राइट। तो ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको तो वॉल्यूम से ही यूज करना पड़ेगा, इसमें कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² h, ये आप लोगे। लेकिन जब हमें निकालना डी एच बाई डी टी है और ये वाली चीज गिवन है, तो क्यों नहीं हम ये जो रिलेशन है, हम इस रिलेशन को, ये रिलेशन इसीलिए दिया रहता है, ये रिलेशन इसीलिए दिया करता है कि यदि दो वेरिएबल है, आप कोई चीज पर्टिकुलर एक ही वेरिएबल में अगर चाहते हो कन्वर्ट करना, तो वो इस रिलेशन से हो जाएगा। मान लीजिए हम क्या इसमें करेंगे, इसमें आर को भी एच के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि डी एच बाई डी टी तो निकालना है और डी वी बाई डी टी उसने गिवन है। तो इसको जब हम वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो फिर क्या बचेगा, डी एच बाई डी टी जो निकालना है और डी वी बाई डी टी गिवन है। तो क्यों नहीं पहले इसको हम एक काम करें कि आर को किस में कन्वर्ट कर दें, आर हो जाएगा हमारा, आर इज एच बाई थ्री, तो रेडियस को हम लिख लेंगे आर इक्वल्स टू एच बाई थ्री। आर की वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये वॉल्यूम है वी है, राइट, दिस इज 1/3 π हो गया, और आर स्क्वायर मीन्स एच बाई थ्री का होल स्क्वायर हो गया, इंटू एच हो गया, सो द वॉल्यूम इज π/3 इंटू दिस इज एच क्यूब बाय 9, दिस इज 9, सो वी कैन राइट द π/27 h³, दिस इज द वॉल्यूम गिवन। अब उठा के सीधा इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, सो डी वी बाई डी टी हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा π/27, ठीक है। नाउ दिस इज 3 h² और h का आएगा डी एच बाय डी टी, डी एच बाय डी टी ये वैल्यू आएगी, और ये सब जो है h कितनी, जब h 6 हो उस केस में बताना है हमें, तो डी वी बाई डी टी की वैल्यू रख दीजिए, ये इसने 0.1 दे रखा है, राइट, दिस इज π/27। बस वैल्यू प्लेसमेंट करना है, आप कुछ नहीं है। देखिए मेन टेक्निकल काम आपने कर लिया, जो यहाँ पे आर और एच के बीच में जो रिलेशन दिया होता है उससे आप क्या कर सकते हैं कि जिस भी वेरिएबल में चाहे एक ही वेरिएबल में उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हमें डी एच बाई डी टी चाहिए और डी वी बाई डी टी गिवन है, तो डेफिनेटली हमें क्या करेंगे, आर को एच में ही कन्वर्ट करना था, आर को एच में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद में आप इसको खाली उठा के डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। दिस इज π/27, 3 h² h की वैल्यू है 6 है, सो 6² हो जाएगा, सो मैं 36 लिख देता हूँ, इंटू डी एच बाय डी टी। अब जो है खाली ये वैल्यू निकालनी है, तो उसको आप निकाल सकते हैं, दिस इज डी एच बाय डी टी इक्वल्स टू, ये सारे नंबर उधर जाएंगे, ठीक है ना, 3 9 जा 27 और 9 4 जा 36, ये 4π आ रहा है, तो 4π उधर डिवाइड करेगा, 4π प्रोडक्ट में है, उधर डिवाइड करेगा 0.1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 4π, राइट, तो 1/40π हो गया है, दिस इज पॉइंट हटा देंगे, दिस इज 1/40π एंड सेंड
डीएच बाई डी टी दिया है, तो एच है हाइट है, सेंटीमीटर में होती है, और उसके जो आपको यूनिट अगर देखनी है तो यहाँ से देख के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आती है, एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज, देखिए एक काम हमने कर लिया, हमें ये वर्कआउट हो गया, 1/40 पाई हमने निकाल दिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हमने लेंथी बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे पूरे ऑल सोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बेस्ट है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना भी चाहिए हमें, ठीक है। तो दिस इज 1/40 पाई हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, उस पर हमें निकालना है नेक्स्ट, वाटर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, वो चीज़ निकालनी है। तो इसको हम हटा देते हैं, ये काम हमारा फिनिश हो चुका है। देन वील कम टू द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट आ रहा है, उसको चाहिए dA/dt, एट व्हाट रेट तो वाटर सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग, वाटर सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो एरिया एज एरिया इज गिवन बाय πr². अब एक काम करेंगे कि अभी हमने जैसे dH/dt की वैल्यू निकाली हुई है, तो इस आर को तो हम इससे कन्वर्ट कर ही रहे थे, आर को h/3 से कन्वर्ट कर रहे थे, h/3 का होल स्क्वायर कर दीजिए इसको, राइट। तो ये लिखेंगे पाई, दिस इज h² / 9, तो उसको लिख सकते हैं π/9, दिस इज π/9, ठीक है, डायरेक्ट यही लिखें π/9 h², और इसको भी विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देने का। सो ये वैल्यू मिलेगी आपको dA/dt, और π/9 आ गया, दिस इज 2h, और h का dH/dt होता है। तो ये तो मैं क्वेश्चन आपको, सपोज करो ये लिंक्ड क्वेश्चन है, सपोज तीन पार्ट दिया हो तो आप उसका यूज करेंगे, इंडिविजुअली ये दिया होता तो उसके लिए फिर हमें dH/dt अलग से निकालना पड़ता, क्योंकि dR/dt की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, तो हमें dH/dt की रिक्वायरमेंट तो तब भी रहती, तो उसके लिए हमें पहले उसमें वॉल्यूम वाले पार्ट में जाना पड़ता है, ठीक है। तो वो तो हम उसमें उसके थ्रू ही करेंगे इसको, राइट। तो अब देखिए एक काम करेंगे, वैल्यू रख दें इसमें, dH/dt हमारे मालूम है, तो dA/dt हो गया, दिस इज π/9 इंटू 2h, व्हाट इज द एच 6। ये सारा डिस्कशन तीनों क्वेश्चंस का उसने वही बोला है, जब पानी का लेवल 6 सेंटीमीटर हाइट में पहुंचे तो उस केस में वाटर लेवल किस रेट से इंक्रीज हो रहा होगा, उस समय वाटर सरफेस एरिया का पूछ रहा है कि उसका रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, वेटेड सरफेस ऑफ द वेसल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो तीनों बातें उसी की पूछी हैं, उसी पोजीशन पे जब 6 सेंटीमीटर हाइट पे पानी भर चुका था, और पानी भरना कंटिन्यू था किस रेट से, 0.1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से पानी कंटिन्यूसली भरा जा रहा था, और उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका वाटर लेवल, ये तीनों चीज़ें कैसे कैसे चेंज कर रही थी, ये पूछा गया था, ठीक है ना। तो अब एक काम करें, वैल्यू प्लेस कर देते हैं, dH/dt का वैल्यू 1/40 पाई है, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 2 टाइम्स एंड दिस इज 3 टाइम्स, राइट। सो कैन वी राइट द 4 अपॉन, दिस इज 4/3 × 40, 4/3 × 40, राइट, और यू कैन राइट द 1/3 × 10, 1/30, सो दिस इज 1/30, आंसर चेक कर लेंगे, 1/30 इज करेक्ट आंसर, राइट। सो dA/dt इज 1/30 cm² per second, दिस इज सेकेंड पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, राइट, 1/30 cm² per second, राइट, ये भी हमारे आ गया। अब इसके बाद देखिए तीसरा पार्ट निकालना हमें, कंप्लीटेड, राइट, ये आपको क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि क्योंकि इसको हमने आर को एच में कन्वर्ट किया, उसकी वैल्यू अवेलेबल थी, वो वैल्यू प्लेस कर दी, और ये इसमें हाइट एच, H6 पे डिस्कशन था सारा, तो वैल्यू प्लेस हो गया, इस तरह से लिख दिया हमने। अब तीसरी बात जो पूछी जा रही है, वो पूछ रहा है एट व्हाट रेट द वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इंक्रीजिंग, मतलब वो बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो वेसल में यहाँ पे जब पानी भरता है तो
तो ये जो यहाँ का जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये साथ ही साथ गीला होता चला जाता है ऊपर से ऊपर। तो जो वेटेड सरफेस है, वेटेड सरफेस वो क्या होती है, वो कंटिन्यूसली वो भी बढ़ रही है। वेटेड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एक मतलब वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है। जैसे जैसे आप पानी भरते जा रहे हैं तो वेटेड सरफेस एरिया भी बढ़ता जा रहा है। तो वही पूछ रहा है कि वो किस रेट से बढ़ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। जैसे जैसे एक एक सेकंड बढ़ता जा रहा है तो उसका एरिया जो एरिया में जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, किस रेट से उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें सरफेस एरिया हम तो पाई आर एल से लिखते हैं, पाई आर एल से लिखते हैं। अब यहाँ पे ये स्लॉन्ट हाइट आती है, कोण में आपको पता है कि ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है पूरी, तो यहाँ पे आती है इसकी स्लॉन्ट हाइट, दिस इज द स्लॉन्ट हाइट। तो स्लॉन्ट हाइट के लिए अलग से एक काम करें, थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम वर्कआउट कर लेते हैं। ये एक छोटा ट्रायंगल इसका ऐसा निकाल लेते हैं यहाँ से, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और इसमें ये देखिए आप कि ये होता है आर, ये होता है एच और ये होता है एल, ठीक है, और इन तीनों को लिखेंगे हम एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये चीज आ जाएगी और सारा चेंज करना पड़ेगा अब। और हमें अभी भी डी एच बाई डी टी ही पता है और हाइट 6 पे लिखना है, तो सारे वेरिएबल किस में कन्वर्ट होने हैं, एच में, सारे वेरिएबल एच में होने हैं, और उसके बाद में फिर वापस उसको डी एस बाई डी टी करना पड़ेगा। तो देखिए काम करते हैं, पाई ठीक है, आर तो हमने कन्वर्ट किया हुआ है, आर को एच बाई थ्री लिख दें, इसमें दिक्कत नहीं है, और एल की वैल्यू को अगर मैं रूट लूंगा यहाँ पे तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा, और इसमें भी आर स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच स्क्वायर बाय 9 प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, तो एच स्क्वायर प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 10 h² आएगा, 10 h² बाय 9 आएगा, तो एल की वैल्यू निकालने के लिए उसको लिखेंगे 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, एच भी बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको आप लिखेंगे एल का वैल्यू लिखेंगे पाई आर एल, एल लिखेंगे √10, दिस इज √10 इंटू एच बाय 3। ये हमने स्लॉन्ट हाइट निकाल दी यहाँ से और उसकी वैल्यू इधर प्लेस कर दिया है, बराबर है। अब देखिए इसको लिखा जाएगा पाई अपॉन, दिस इज 9, 9 आ गया, √10 आ गया, इंटू दिस इज एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर है, इस तरह से लिख लीजिए, पाई बाय 9 है, √10 हो गया और आपका एच स्क्वायर आ गया, बराबर है। अब देन यू हैव टू डिफरेंशिएट इट, सो डी एस बाय डी टी, डी एस बाय डी टी इज पाई बाय 9 इंटू √10 इंटू एच स्क्वायर का 2h, फिर एच का डी एच बाय डी टी, और इस वैल्यू को आप रख लें। अब बस वैल्यू प्लेसमेंट है, √10 हो गया, 2 इंटू h, h 6 पे बात हो रही है, डी एच बाई डी टी 1/40 पाई, हाँ दिस इज 1/40 पाई, ये भी निकाल चुके, ठीक है, सारा सॉल्व कर देंगे, पाई से पाई कट हो गया और यहाँ पे 2 टाइम्स 3, 3 टाइम्स राइट, तो 4 आएगा, 4 √10 अपॉन 3 इंटू 40, ये आ रहा है वैल्यू, 4 ऊपर है, ठीक है, और 40 10, देखिए इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, √10/30 दिखा रहा है, ओके, ये 10 टाइम्स कट जाएगा, है ना, 10 टाइम्स कटेगा, तो रूट इसको आप लिखेंगे, इसको भी कट कर सकते हैं, 1/3 √10 लिख सकते हैं, 3 √10, हाँ दिस इज करेक्ट राइट, सो दिस इज द गिवन दैट इट इज इक्वल्स टू √10/30, प्रॉपर है, उसने ऐसा दिया हुआ है, √10/30 दिया है, तो यहीं पे छोड़ दिया है, जैसा बुक्स में आपको अवेलेबल है, स्पेशली आर डी शर्मा, आर डी शर्मा की बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व है पूरा, ठीक है, तो और वो भी अच्छी बुक है, आप अपना जो एकेडमिक लेवल है उसको कवर करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ, तीसरा वेटेड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज कंप्लीटेड राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, होर्स रन्स अलोंग अ सर्कल, होर्स इज रनिंग अलोंग द सर्कल विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर,
ये होर्स की स्पीड गिवन है 20 किलोमीटर पर आवर। लैंटर्न, लालटेन हिंदी में जिसे हम लालटेन बोलते हैं, इंग्लिश में लैंटर्न बोलेगा। लैंटर्न इज एट द सेंटर ऑफ द सर्किल और सर्किल के सेंटर पर एक लैंटर्न रखी हुई है। फैंस इज अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल एट द पॉइंट एट विच द होर्स स्टार्ट्स। तो देखिए डायग्राम हम बना लेते हैं इसका। मान लीजिए इस सर्कल गिवन है और इस पे पोजीशन ये है कि एक ये टेंजेंशियल लाइन भी है। दिस इज द टेंजेंशियल लाइन गिवन और होर्स जो है वो इस तरह से रन कर रहा है। तो कभी किसी पोजीशन पर उसकी पोजीशन ऐसी है कि दिस इज द स्पीड वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर। दिस इज हाउ द होर्स इज रनिंग एट दिस स्पीड। तो रेडियस इसकी सर्कल की लेट से इट इज द आर। और मान लीजिए ये कोई एंगल थीटा बना रहा होगा उस समय। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लिया जाए। द स्पीड एट विच द शेडो ऑफ द होर्स मूव्स। तो ये पूछ रहा है कि जो टेंजेंशियल लाइन है और होर्स यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ पे इस एक लालटेन रखी हुई है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब होर्स ऐसे भागेगा तो लालटेन के जो शेडो है इस पे गिरते जाएगा। और मान लीजिए जब वो हॉर्स इस पोजीशन पे होगा, हॉर्स यदि यहाँ पे होगा और जो लालटेन होगी उसकी जो टेंजेंशियल लाइन है वो आप समझ लीजिए एक तरह से पर्दा है। वो एक तरह से पर्दा है, ये पूरा एक टेंजेंशियल लाइन है। दीवार हो सकती है, दीवार भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, ऐसी दीवार हो सकती है और यहाँ लालटेन रखी होगी। तो फोर्स अगर यहाँ आएगा तो उसकी शेडो इधर गिरेगी, ये इतनी लेंथ की शेडो आ जाएगी। तो हम ये लेट करेंगे इसमें कि मान लीजिए एट एनी टाइम तो उसका जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द शेडो एक्स है। ठीक है, अब आप देखिए, आप पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझ ले कि आगे क्या पूछता है। द स्पीड विद विथ द साइड शेडो ऑफ द हॉर्स मूव्स अलोंग द फेंस एट द मोमेंट व्हेन इट कवर्स 1/8 ऑफ द सर्किल। 1/8 मीन 1/4 अगर होता है, 1/4 तो 90 डिग्री होता है। अगर सर्किल के चार भाग किए जाएं तो 90 डिग्री बनाता है। तो 1/8 मीन्स थीटा जो है इसमें, थीटा मीन्स 45 डिग्री है। 1/8 वो थीटा 45 नहीं बोल करके बोलता है, 1/8 ऑफ द सर्किल को कवर कर चुका होता है। तो उस समय ये जैसा कि लगभग डायग्राम आप देख रहे हैं कि ये 45 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, इस 45 डिग्री पे जब ये हॉर्स भागता हुआ जब यहाँ पे आ रहा होता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उस समय जो शेडो की लेंथ है यहाँ पे आ रही होती है और हॉर्स आगे बढ़ेगा स्पीडली, तब क्या होगा, शेडो की स्पीड भी और ज्यादा बढ़ जाएगी आगे। मतलब जैसे ही हॉर्स यहाँ आएगा तो उसकी शेडो की लेंथ इतनी होगी, यहाँ आएगा तो फिर इन्फाइनिटी हो जाएगा, सीधा 1090 इन्फिनिटी होता है। ठीक है ना, तो वो तो फिर शेडो उसकी कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट लेंथ की बन जाएगी। तो वो अलग, वो हम कभी अभी खाली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इतना कि अगर 1/8 ऑफ द सर्किल अगर वो कवर करता है तो कितना होगा। अब देखिए इसमें हम एक चीज रिलेशन निकाल लें, टेन थीटा होता है आपका, टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय आर, और एक्स क्या हो गया, एक्स इज आर टेन थीटा। और हमें जो dx/dt, देखिए ये निकालना कि एट वट रेट, मेन काम यही करना है हमें, dx/dt ही फाइंड आउट करना है कि एट वट रेट द शेडो इज इंक्रीजिंग, dx/dt निकालना। तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ठीक है ना। सो dx/dt और आर तो चेंज होगा नहीं, तो वो सर्कल जिसमें वो मतलब सर्कल जिसमें कि वो हॉर्स रनिंग कर रहा है वो चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो चेंज होने वाली चीज है वही है, टेन थीटा आपका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाय डी टी। अब देखिए जब एंगल इस तरह से चेंज होता है तो ये जो डी थीटा बाय डी टी होती है, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, इसको हम ओमेगा से लिखते हैं। डी थीटा बाय डी टी इज है एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो ये चीज आ गई और इसको हम लिख देंगे आर, दिस इज ओमेगा, राइट, आर ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आर ओमेगा क्या होता है, फिर एक और फार्मूला हमारे पास में, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। ये आप अच्छी तरह जानते हो फिजिक्स में, नहीं, फिजिक्स के थ्रू ये पता है वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है।
इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो जो आर ओमेगा लिखा है वो मैं वी लिख दूं, आर ओमेगा की जगह वी आ जाएगा, वी सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब वेलोसिटी क्या दी हुई थी, यही वी लीनियर वेलोसिटी है और लीनियर वेलोसिटी 20 की बनती, ठीक है, तो उसको हम डी एक्स बाय डी टी निकाल देंगे, इक्वल्स टू बाय दिस फॉर्मूला डी एक्स बाय डी टी, वैल्यू रख दो 20 sec स्क्वायर थीटा, थीटा हमारा डिसाइड हो गया ना, थीटा 45, तो sec स्क्वायर 45 की वैल्यू हो जाएगी, एंड दिस डी एक्स बाय डी टी इक्वल्स टू 20, दिस इज रूट टू का स्क्वायर 2 हो जाएगा, एंड इट इज 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए ऐसा होगा कि अगर ऐसा सर्किल है और ये पोजीशन है, तो अगर हॉर्स की स्पीड यहाँ पे इस तरह सर्किल पे चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जो इसकी शेडो है यहाँ पे टेंजेंशियल पर्दा बना हुआ है या दीवार बनी हुई है जिसपे कि बीच में लालटेन रखी हुई है, उससे उसका जो शेडो का लेंथ बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डबल स्पीड से वो बढ़ रहा है। किस पोजीशन पे, जब यहाँ 45 डिग्री एंगल बना रहा होता है। अब आप ये मत सोचना हमेशा डबल नहीं रहेगा, जब थोड़ा आगे एंगल बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, और एकदम जैसे ही ये थोड़ा सा आगे जाएगा 90 अप्रोच करेगा तो शेडो बनेगी नहीं इसकी, तो वो नॉट डिफाइंड दिखाएगा, इनफाइनाइट दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा रेट मेजर एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन कंप्लीट हुआ।